हाय, वेलकम बैक। अभी हम करेंगे शंख। अब ये शंख कैसे डालना है जो हमने पिक्चर में सीखा है, पेन से वैसे ही डालेंगे। यहाँ पे हम डालेंगे छोटा शंख। देखिए, आपको अगर छोटा डालना है, कुछ लोग हर चीज़ बड़ी पसंद नहीं करते हैं, उनको छोटा छोटा अच्छा लगता है, तो आप ऐसे डाल सकते हो। और ये आप जब कंप्लीट करोगे, यहाँ का बीच का जो है ना बिंदु उड़े है, जो डॉट्स रहते हैं, उसको आपको कपड़े से अच्छे से पोंछना है, क्योंकि एज इट इज़ ये हम कलर पे डालेंगे तो तब ये करने की ज़रूरत नहीं कपड़े से पोंछने वाली बात। पर आप अलोन डालना है, मतलब सिंगल पीस डालना है ऐसे ब्लैक बैकग्राउंड पे, तो आपके वो जो है कण उनको उठाना है, दैट यू हैव टू कीप असाइड। नाउ I will show you a big size shank. देखिए, आपको ऐसे लेना है और ये जो है ना, ये स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। ये जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है नीचे का ये, और ये जो ऊपर का बिंदु है, ये एक लाइन में आना चाहिए, तभी वो शंख अच्छा दिखता है। कुछ लोग ना टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी डालते हैं, तो आप वैसे नहीं डालना है, आपको अच्छे से ही डालना है, क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा डालने से वो ब्यूटी नहीं रहेगी शंख की। यहाँ आप दो भी डाल सकते हो या तीन भी डाल सकते हो, मैंने दो डाला है, आप दो डाल सकते हो या तीन डाल सकते हो ना। ये जो शंख है, यू विल ऑब्जर्व इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ केंद्रवर्धिनी एंड सम स्लैंटिंग लाइन्स। इसलिए मैंने आपको फर्स्ट इसमें भी बोला था कि लाइंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी कीजिए, कर्व्स की प्रैक्टिस करना है, एंड दिस यू हैव टू पुट ऑन कलर्ड बैकग्राउंड। नीचे कलर रहेगा, उसके ऊपर वाइट से ये डालना है। तो क्या होता है ना, कलर पे जब हम डालते हैं तब हमारा एकदम परफेक्ट हाथ होना चाहिए, कलर भी यूनिफॉर्म डलना चाहिए, इधर उधर नहीं, ताकि हमारी लाइंस भी गड़बड़ नहीं होती है। ओके, सो प्रैक्टिस दिस वेल एंड सेंड मी द पिक्चर। Thank you.